टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। अकेले मत जाना, ये ट्रैप भी हो सकता है। और वैसे भी उनके पास फोन है, मैसेजेस उन्होंने चेक किए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि तुम्हारे पास है संपर्क। नहीं नहीं, पुलिस पे तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, और उस दिन के बाद आज तक फोन तो किया नहीं उन्होंने मुझे। अरे भाई, वो हो सकता है संपर्क की दरखास्त का इंतजार कर रहे हो। किसके भागने का इंतजार कर रहे हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी। अच्छा चलो ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, संबल की हिफाजत भी अहम है। अरे तुम्हारी भी तो अहम है। इस अल्लाह ने अब तक बचाया है, वो आगे भी बचाएगा। उसी अल्लाह ने ये अकल दी है इस्तेमाल करने की। इसी अकल के भरोसे जा रहा हूँ, कुछ नहीं होता ना यार, अभी आ जाऊंगा। आप भी जा रही है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर ही करे। जी बात नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता। ये सब कहां से आएगा? क्या कहां से आएगा? कुछ नहीं, आजकल तो आप खुद ही से बातें करती रहती हैं। अब्बू कह रहे थे आज शाम को अंगूठी लेके आ रहे हैं नईम साहब। सालन मैंने बना लिया था, तुम जाके बराबर वालों को बता दो वो भी आ जाएं। उसे कहना बच्चों को भी लेके आए। जाके नहा धो ले। और किसी के लिए ना सही, इंसान अपने लिए तो तैयार होता ही है। जो नसीब में लिखा है उस पे शाकिर ही हो सकते हैं। ओके हाँ? ओके नहा लूंगी, फिक्र ना करें अम्मी। जी क्या नाम बताया था आपने? सवेरा। ये इधर चौकीदार नहीं होता कोई बाहर? चौकीदार होता है, बाहर ही होगा। मैं आई थी तो कोई नहीं था। हो सकता है इधर उधर हो गया हो। ये आपका नाम तो नहीं है रजिस्टर में? सवेरा नाम है मेरा। जमशेद साहब को फोन मिलाओ, उनसे बात हुई है मेरी, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, मिलाओ जल्दी। मैं मिलाता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कोई मैडम आई है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, मैं सवेरा बात कर रही हूँ, मेरी बात हुई थी ना आपसे, मैं शेल्टर पहुँच गई हूँ। जी जी बिल्कुल, आप वहीं रहिए, मैं बस पहुँच रहा हूँ। लेकिन वो इकराम मेरा पीछा कर रहा है, वो काफी देर मेरे पीछे था, वो पहुँच जाएगा। इधर बंदा शंदा कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये जगह बिल्कुल सेफ है, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, आप मेरी स्टाफ से बात करवाइए। जी सर। अच्छा सुनो, गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा दो और मैडम का ख्याल रखो, और इनसे चाय पानी पूछो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। ओके जी।
ये सब आपने बनाई हैं क्या? हाँ बस बन गई। मैं ना एक क्लाइंट के पास जाती थी फार्म हाउस में, वहाँ बहुत सारी तस्वीरें होती थी, सारी ना ऐसी नहीं होती थी। फिर उसने खुद नहीं बनाई होंगी, खरीदी होंगी, क्योंकि आर्टिस्ट इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बेरू रूह के बगैर। समझ कोई नहीं आई मुझे। कोई बात नहीं। जिमी बड़ी तारीफ करता है आपकी। जिमी बड़ा अच्छा लड़का है। जो लोग अच्छे होते हैं अंदर से, उनको सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत प्योर है, ट्रांसपेरेंट है, शफाफ, उसके आर पार देखा जा सकता है। आप लोग बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। मेरा मतलब है अजीब नहीं, अलग ही किस्म के। मैंने तो कभी ऐसे देखे ही नहीं। मैं जिनसे पहले मिलती थी ना, कि लंबी लंबी ज़बानें, बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते थे, बड़ा दिल खराब होता था मेरा। आंटी कहती थी ना, मेरी बच्ची शक्लें ना देख, जेब देख। बड़ा दिल खराब होता था। मैं ज्यादा तो नहीं बोलती। बोलते रहो। जिमी कहाँ है? वो तुम्हारी जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, सवेरा। बाजी सवेरा को? हाँ, उसको लेने गया। चाय पियोगी? हाँ, मैं बना के लाता। पर तो काफी भारी दिया है मैम। देखो अम्मी, कम से कम आप तो झूठी तसली है ना। देखो अम्मी, मुझे आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाना है। आईडी कार्ड तो बनेगा, पर पासपोर्ट? मैंने आपकी कितनी मानी अम्मी, आप मेरी कम से कम एक तो मानी।
बिल्कुल ठीक है बिग ब्रदर बात इस बार उलझ गई है। ऐसा कभी कभार होता तो कोई बात नहीं थी, मगर इस बार लड़कियां बड़ी खतरनाक जगह पहुंच गई हैं, इसलिए उनका खात्मा बहुत जरूरी है। उससे पहले कोठियां नहीं खोली जा सकती। नई लड़कियां भी लानी पड़ेंगी फिर। जाहिर है इतने दिन काम बंद रहने के बाद दोबारा शुरू करूंगा तो ओवरहेड कॉम्पनसेट करना होगा। इसके लिए हमें नई बच्चियां तलाश करना होंगी और इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और यानी? इस बार हम देहात और छोटे शहरों से बच्चियां नहीं बुलाएंगे, उन पर बहुत एनर्जी और वक्त ज़ाया होता है। देहात की औरत जो होती है उसके बागीपन को मारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फैसला किया है कि अर्बन एरिया की लोअर मिडिल क्लास बच्चियों को उठाएंगे, उन पर एनर्जी भी कम वेस्ट होती है और उनको आसानी से दबाया जा सकता है। उसी तरह जैसे पहले निकाह करवा के या माँ बाप। ये जो माँ बाप वाला सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, मगर निकाह वाला मामला अब नहीं चलता। अब हम लड़कियों को उनके ख्वाबों के जाल में गिरफ्तार करते हैं। हम क्या मंडियों में ले जाने वाले हम तो बस उनमें से एक दो दाने चुनेंगे। ठीक है। छोटे चमचे 50। अम्मी काटे। दूल्हा ऐसा होता है जैसे कल आया था? नहीं। तो फिर वो हमारे घर ही आया था। आमना की बहन की शादी तो लड़के से हुई थी, वो कहती थी कि वह कास भाई है, लेकिन ये तो नई मंकल है। अब हम बाजी को आंटी कहेंगे? कभी कभी दूल्हा ऐसे भी आ जाते हैं, इसको नसीब कहते हैं। मुझे नई मंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मनहूस लगते हैं। मैं बाजी के घर कभी नहीं जाऊँगी। रुबाब क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो? चलो शाबाश अंदर जाओ, जाके चादर सही करो ताकि मैं आके वहां से झाड़ू लगाऊं। हिजाब। जी अम्मी। जरा मरियम की अम्मी को बुला के लाओ। जाओ भाग के जाओ, उनसे कहना जल्दी आए। मेरा रास्ता में जन्नत दिखी थी मुझे मेरा, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। काश के तुम मर जाते। अगर ऐसा ही है तो मारो खोले, ये लो मारो, मार डालो मुझे। मैंने तुम्हें एक पहाड़ समझा था मीरान, मगर तुम तो बहुत कमजोर निकले। नफरत के मुझे मार दिया। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे। देखिए हर जाए जुमाता इतवार रात 8 बजे। आपसे रिश्ता है प्यार का, मेरा रास्ता।
FIR कटवाते हैं और एप्लीकेशन सवेरा देंगी। ये जंग सामने आए बगैर नहीं लड़ी जा सकती। संभल तो वॉनरेबल थी, ये सवेरा जरूर लड़ सकती है। मुझसे ज्यादा बहादुर है ये ना होती तो हम तो पता नहीं वहीं फंसे रहते। इसी ने पता लगाया बिग ब्रदर का, फोन लिया, भागते भागते पहुंच भी गई इधर। हाँ लेकिन बाजी सवेरा, कभी कभार इंसान जंग जीत के इतना थक जाता है कि जीत का मजा ही नहीं आता। हम देंगे ना तुझे मेडल जानी, और हम इकट्ठे ये लड़ाई लड़ेंगे भी, सबको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सच सच बताएंगे कि ये लोग करते क्या हैं। ये गरीबों से उनकी बच्चियां खरीद लेते हैं, फिर बाहर मोटी अमीर असामियों को बेच देते हैं। कितनी तो मर जाती हैं बीच में, और जो बच जाती हैं उनको बीमारियां खा जाती हैं। ठीक कह रही है, मुझे तो लगता है कि आज भी हम मगार के दौर में जिंदा हैं और शायद एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक बात है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, और एक एक शख्स को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, फिर ही कुछ बात बनेगी। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इसके साथ जाके इसका पासपोर्ट बनवा दो। मैं तो घर से निकल नहीं सकती और ना ही मुझे कुछ दफ्तरों वगैरह का पता है। भी पासपोर्ट का क्या है, इतना अच्छा निज़ाम है, इस काउंटर से चलते हुए जाओ अगले काउंटर पे जाके काम मुकम्मल, और कुछ दिन बाद जाके पासपोर्ट ले आओ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, बस तुम्हारी मेहरबानी, करवा दो इसका ये काम, लेकिन देखो किसी से जिक्र ना करना। काजी साहब के मिजाज को तो जानती हो ना? बिल्कुल जानती हूँ, इसलिए तो सवाल नहीं किया कि क्यों बनवा रही हो पासपोर्ट। भाई लड़की जात है, अच्छा है यहीं से कागजात बनवा कर जाए, शादी के बाद तो वैसे भी हमारी बेटियाँ मफलूज होके रह जाती हैं। बस इसीलिए तुमसे मैंने कह दिया, मगर बस इसके अब्बू को पता ना चले, ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। अरे नजमा बहन क्यों परेशान होती हो, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और तुम कल तैयार रहना, ठीक है? बुरका बेशक ओढ़ लेना, लेकिन ख्याल रखना कि पासपोर्ट बनाते वक्त दोनों कान वाजे तौर पर नज़र आने चाहिए, और बाल पीछे कस के बांध लेना। वो मुझे इसलिए पता है कि कुछ दिन पहले मैंने जैनब का पासपोर्ट बनवाया था ना, इसलिए जानती हूँ। अच्छा जी, बेहतर। जेवर तो बड़ा कस के दिया, चलो कुछ तो आंसू पूछे। मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ तुम अपना जरा ख्याल रखना। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। माफ कीजिएगा सर, वो घर से कॉल आ गई थी। आप लोग ठंडा रहेंगे या गर्म? इस तकलीफ की जरूरत नहीं है जी। अरे तकलीफ कैसी, पुलिस का फर्ज है मदद आपकी। अरशद 3 स्पेशल चाय। वो एक शिकायत दर्ज करवानी थी। हाँ हाँ, वो मुझे DIG साहब ने ब्रीफ कर दिया, आप लोग चाय पिए, पुलिस पार्टी तैयार है, हम लोग रेड करेंगे। इन्होंने FIR दर्ज करवानी है, पहले वो किसी से कहिए कि तहरीर कर। देखिए सर, मुजरम को कैसे पकड़ना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर FIR दर्ज होगी और मुजरम ना पकड़े गए तो ट्रांसफ़र के वक्त ये केस मेरे गले पड़ जाएगा। अब देखे ना, हांडी पकाने के लिए चूल्हा, हांडी और मसाला तैयार करना होता है। लिखी हुई तरकीबों से अगर खाना पकता तो पढ़ी लिखी औरतें ही खाना पकाती बस। हाँ लेकिन बगैर FIR के कैसे रेड हो सकती है? ये भी आपके सामने सब कुछ होगा, अब देखते जाएं बस। अरशद पार्टी तैयार करो, छापा मार रहा है, हरी अप। यकीन नहीं आ रहा कि किस्मत हमें ऐसे दोबारा मिला सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मैं बाजी सवेरा से ना मिलती ना तो
इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाती। पता नहीं जमी, मैं सोच रही थी कि खुले पिंजरे में से परिंदे इतनी ऊंची परवाज कैसे कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे चलना भी भूल गया है, नहीं चल पाऊंगी मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और ये तो वो सुंबल ही नहीं है जो मुझे फोन करती थी, और ना ही वो रखी जो अपने घर ले जाकर सबका खाना खिला देती थी। रोलो, दिल हल्का हो जाएगा। तो ये वो दुख नहीं है जिमी जो रोने से खत्म हो जाएगा। पता नहीं कैसे कब खत्म होगा, कब से कोशिश कर रही हूं। मुझे गांव लेके जा सकते हो चक? मुझे अम्मा से मिलना है, शाजी, सादिया, दादी को देखना है, मुझे मुझे ले जा सकते हो? नहीं, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं चाहता था वहां जाना, लेकिन ये सारी कमजोरियां भी खत्म कर ली, लेकिन खुद को मजबूर नहीं कर पाया। तुम जाना चाहती हो तो ले जाऊंगा तुम। हाँ, मुझे जाना है, मुझे टमाटर से भी मिलना है। वही है ना? हाँ, वो वही है नहर वाले शेल्टर में। वहाँ ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो किसी वजह से अपने मालिक से दूर हो गए। वही है। तो पता है जिमी, मैंने जब टमाटर को पहली दफा देखा था तो मुझे यकीन आ गया था कि मैं अपने घर, अपने चक वापस जा सकती हूँ। मैं उस कोठी से निकल सकती हूँ, मुझे उम्मीद हो गई थी। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि ये कुदरत का हाथ तुम्हारी और मेरी जिंदगी के दुख से पजल को जोड़ रहा है। इससे सारे टूटे हुए टुकड़े जुड़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा होगा। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई है, लड़कियां हाथों से निकल रही हैं। पहले इन्हें पहुंचा दूं कहीं, अगर ये भी हाथ से निकल गई तो करवा दो रेड जुल्फी साहब, आप अपना रिकॉर्ड साफ रखो। वहां आप क्या रखा है, हम तो एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। गाड़ी इसके पीछे लेके चलो। बुलापी, अगर आवाज निकाली ना तो काट के फेंक दूंगा तुझे मैं। तेरी माँ बैठी हुई है उधर और साथ में उसका बाप भी आ गया। गाड़ी के पीछे चला। पता है उस रात पार्टी के बाद बड़ा थक गए थे, गाड़ी नाके पे रुकी, मैं बैठी हुई थी वैसे ही, मुझे लगा मुझे किसी ने आवाज दी है, कहे रखी है? मैं गई उतर के कब्रिस्तान में, टमाटो को देखा, मैं पहचान गई उसे, मुझे लगा अब्बा भी वहीं होगा। मुझे ना सादिया की बात याद आ गई, कहती थी
तू चुड़ैल है, तू पिछल पै रही है, तुझे अब्बा कब्रिस्तान से लेकर आया और मैं रो पड़ी थी। लेकिन उस रात जब मैं कब्रिस्तान गई ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा कि जैसे पहले मैं कब्रिस्तान से जिंदा होकर वापस आ गई थी ना, मैं दोबारा जिंदा हो गई। मैं सुंबल नहीं थी तब, मुझे लगा कि मैं रखी हूँ, ऐसा मुझे लगा। मुझे पहचान गई थी तुम? हाँ शायद, पता नहीं जिम्मी पहचान ही गई थी। जिम्मी एक बात तो बताओ। पूछो। बस जिंदा होगा? जब मैं जिंदा हूँ टमाटो जिंदा है, तुम जिंदा हो, चाचा मजीद भी जिंदा ही होगा। मुझे नहीं लगता, पता अब्बा अगर जिंदा होता ना तो एकदम तो मेरा पता करता, पूछता कि रखी कहाँ गई। मुझे नहीं लगता कि अब्बा जिंदा होगा। पीछे रख, इसके पीछे रख, दबा इसे, दबा दबा इसे, चल इसके, चल 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 जा, चल दबा इसे, दबा इसे, दबा इसे। Dear Naseen, congratulations. You are lucky that after much deliberation and keeping your enthusiasm in mind, we have decided to invite you in the coming camp. Regards, Rashida. Dear Miss Rashida, I am so glad to hear from you in a formation. I will send you my details in a week. I am going to get my passport tomorrow. Naseen, thank you. So kindly submit 50,000 for initial arrangements and registration on the given account number. Police ne ghar ko charon taraf se gher liya hai. Apne aap ko police ke hawale kar de. Agar koi mazahmat ki to police force firing kar sakti hai. Ye meri aapko aakhri warning hai. कभी सोचा था ये वक्त भी ज़िंदगी में आएगा कि आजा बाहर बैठ के उन लोगों को देख रही हैं जो अंदर इन दीवारों के पीछे छुपे बैठे हैं, और ये दीवारें जो आपकी कैद के लिए बनाई गई थी उनके लिए जेल की दीवारें बन गई हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोठियां जो एक जैसी लगती हैं बाहर से, बिल्कुल इनके अंदर रहने वालों की जिंदगियां कितनी फर्क होती हैं। आइए सर, कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। अकराम पकड़ा गया? नहीं नहीं, अंदर तो हु का आलम है ना, कोई बंदा ना बंदे की जात, पूरी कोठी खाली है। मेरा ख्याल है हमारे आने से पहले भाग गए हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। चलिए आइए आइए।
यकीनन अच्छी यादें नहीं जुड़ी होंगी तुम्हारी इस कमरे के साथ। चलते हैं। वाह, यादें अच्छी भी होती होती हैं। यादें यादें होती हैं बस। रमशा की यादें, शबनम की यादें, आयशा की यादें जो मर गई हैं। लोगों को लगता है ये कोठे कोठियाँ अय्याशी के अड्डे होते हैं, बड़ा रौनक मेला होता होगा यहाँ पे। ये ज़हनी मरीजों के हस्पताल होते हैं जहाँ बेकसूर औरतों से अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए गिद्ध आते हैं। निरे गिद्ध मुर्दार खाते हैं, उल्टियां करते हैं, वही चाट लेते हैं। इस कोठी की दीवारों में ईंटें नहीं हैं, चीखें हैं। एक लड़की थी इधर मेरी सहेली शबनम, बड़ी प्यारी थी। उसकी माँ उसे यहाँ छोड़ के ना किसी बाबे के पास रहती थी। एक दिन वो बाबा मिलने आया उससे, खरे दम दरूद करने। बस वो बाबा होके गया और शबनम ने खुदकुशी कर ली। शरीफ जादियां जो घर बसा लेती हैं ये ठीक रहती हैं, बिल्कुल इज्जत भी होती है, हिफाजत भी होती है। एक थप्पड़ पड़ा और ड्रामा बन जाता है। हमारी कहानियां तो हमारे साथ ही मार खप जाती हैं। एक डायरेक्टर भी आता था आपको पता है, यहाँ पे बड़ा आशिक था मुझ पे। ऐसी मैंने फरमाइश की एक दिन के मेरी कहानी क्यों नहीं लिखता। उसने कहा चैनलों में इजाजत नहीं है ऐसी कहानियों की, ऐसी ऐसी। हमारा केस ना अदालत में पेश हो सकता है, ना ड्रामा बन के टीवी पर लग सकता है। पता नहीं क्यामत के दिन शायद कोई सुन ले हमारी कहानी। कहते तो है तौकुफ कीजिए, आ गया। आदाब। जीते रहिए। वो बस हम बाजार से गुजर रहे थे तो ऐसे ही अचानक नजर पड़ गई, सोचा खुश दामन साहिबा भी पहन लेंगी और बच्चे। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं जलील साहब, तकल्लुफ कैसा, आपको अपनी दिल की बात बताऊं। जब भी कमाता हूँ ना तो ऐसे ही ध्यान पड़ता है कि किसके लिए कमाता हूँ। अभी तो खर्चे और बढ़ेंगे अब। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे नहीं नहीं चलिए साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो हम आज आपसे एक दिल की बात करना चाहते थे, अगर आप बुरा ना मनाएं। और जी कहिए। वो हम चाह रहे थे कि आज अगर हम बच्चियों को बाहर ज़रा कार में घुमा लाएँ, ऐसे घर में बैठी बैठी बोर होती होंगी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी ज़रूर, आपसे क्या पर्दा, मैं बुलाता हूँ तीनों को। जलील साहब, तीनों को। जलील साहब रुबाब हिजाब नसीम जहरा कहा हूँ भाई, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। हाँ आ जाओ जी। अबू जी, अबू बुलाया आपने?
हाँ वो नजो नजमा बेगम, क्या बात है भाई? वो नईम शेरवानी साहब बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाह रहे हैं, तो इन सको के गाड़ी में बैठ जाए। कैसी बात कर रहे हैं काजी साहब, भरा मोहल्ला है, इस तरह कैसे भेज दूं मैं बच्चियों को? अब इतने मॉडर्न तो नहीं हो गए हम। अच्छा तो वो जो मोहल्ले के सामने वो गेंद बल्ला खेलती थी तब तो तुम्हें मोहल्ले का ख्याल नहीं आया, आज महरम के साथ जाने तो दुनिया और मोहल्ला याद आ गया। महरम कहाँ से आ गया? शुरफा में मंगनी और निकाह बराबर ही होते। जाओ भाई तुम लोग जाओ, वो गाउन और हिजाब लो, जाओ 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 शाबाश जाओ जाओ। वाह काजी साहब वाह, अच्छे उसूल हैं आपके, जिस वक्त दो जो चीज़ अच्छी लगी वो दीन और दुनिया दोनों पर भारी। मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। ये वो ताई साहब बच्चियों के लिए वो जोड़े भी लेकर आए हैं। रखिए